पीएम किसान की अगली किस्त आज होगी जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे किस्त जारी। काकोरी कांड की वर्षगांठ, सीएम योगी और राज्यपाल शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। कांग्रेस का भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च, कांग्रेस के 400 वरिष्ठ नेताओं को मिली जिम्मेदारी। यूपी में सपा करेगी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन, सपा नेता राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में होगा सम्मेलन। अभिनेता अनुपम श्याम ओझा के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, परिजनों के प्रति जताई संवेदना। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 12:30 बजे 9.75 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 19,500 करोड़ रूपए से अधिक राशि हस्तांतरित की जाएगी। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कुछ लाभार्थी किसानों से बात भी करेंगे। इसके अलावा पीएम राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। इस योजना के तहत किसान परिवारों को हर वर्ष 4 किस्तों में 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। इस योजना के तहत अब 1.38 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा पर एक खुली परिचर्चा की डिजिटल माध्यम से अध्यक्षता भी करेंगे। इसका विषय समुद्री सुरक्षा बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए एक मामला होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए काकोरी जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल काकोरी ट्रेन एक्शन की 96 वर्षगांठ के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए काकोरी जाएंगे और इस मौके पर काकोरी शहीद स्मारक में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ वहां पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बता दें कि 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी में एक ट्रेन को लूट लिया था। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूट कर उन पैसों से हथियार खरीदना था। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ रिहान जुड़ चुके हैं। रिहान, आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए काकोरी जाने वाले हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी कीर्ति, बिल्कुल बताना चाहूंगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम काकोरी में लगा हुआ है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही साथ जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगी और जो उनके परिवार के लोग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उन्हीं के आधार पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें चित्र प्रदर्शनी, म्यूरल प्रदर्शनी और चित्रकला का आयोजन होगा, जिसमें जो स्कूली बच्चे हैं वो भी शामिल होंगे। जी, 96 वर्षगांठ भी है आज काकोरी ट्रेन एक्शन की, बड़ा हादसा था जिस दौरान ट्रेन लूटी गई, वहीं कई शहीद हो गए हमारे जवान, उसको लेकर आज श्रद्धांजलि भी है। जी बिल्कुल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि में शामिल होंगे और जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के राजधानी में आज सोमवार को काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ काकोरी जाएंगे, साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। बड़ा दिन है, 96 वर्षगांठ है जब काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसकी आज। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश कांग्रेस में विधानसभा स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को हर विधानसभा में भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च करेंगे। यह आंदोलन 10 अगस्त को भी चलेगा। इस 2 दिवसीय अभियान के लिए पार्टी ने अपने 400 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने सभी 403 विधानसभाओं में मार्च का कार्यक्रम तय किया है। इस आंदोलन के लिए प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर न्याय
पंचायत के पदाधिकारियों तक को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के 400 वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा वार मार्च सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। संभावित विधानसभा उम्मीदवारों को भी इस आंदोलन में पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया गया है। भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च पर हर विधानसभा क्षेत्र की मुख्य बाजार से होते हुए लगभग 5 किलोमीटर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आज से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू करने जा रही है। सपा नेता राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में यह सम्मेलन कानपुर से शुरू होकर स्वतंत्रता दिवस पर फतेहपुर में खत्म होगा। वहीं कल कानपुर देहात में सम्मेलन होगा। वहीं 12 अगस्त को महोबा, 13 अगस्त को हमीरपुर, 11 अगस्त को झांसी में सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं 14 अगस्त को कानपुर ग्रामीण और फिर 15 अगस्त को फतेहपुर में कार्यक्रम होगा। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की सपा नेता राज्यपाल कश्यप को दी गई है। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, बड़ा दाव चलने जा रहे हैं पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पिछड़ा वर्ग को साधने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी, वहीं अध्यक्षता साफ तौर पर दे दी गई है राज्यपाल कश्यप को। बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राजपाल कश्यप जो हैं एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और जिनकी पिछड़ा वर्ग को साधने की जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर राजपाल कश्यप को ही दी गई है और इसकी अध्यक्षता भी वही कर रहे हैं। और लगातार पिछड़ा वर्ग के जितने भी बड़े नेता हैं या यूं कह लें पिछड़ा वर्ग के जितने भी लोग हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उनके लिए जो ये आयोजन आयोजित किया गया है, इसकी शुरुआत भी अभी बीते दिन 7 अगस्त को हुआ था और मंडल दिवस जब समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में मनाया था उसकी अगुवाई डॉक्टर राजपाल कश्यप ने की थी और अखिलेश यादव ने ये निर्देश जारी किया था कि इसको हर जिले में तहसील स्तर पर मंडल दिवस मनाया जाए। और आरक्षण की जो मांग करी थी वो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग से जुड़ी हुई थी और प्राइवेट नौकरी में आरक्षण की जो मांग करी थी समाजवादी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग का जो दांव है एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने खेला है। बिल्कुल शहबाज खान, साथ ही साथ जिस तरह से अखिलेश यादव ने मतगणना को लेकर कहा कि उनका जो बयान सामने आया कि हमारी पार्टी आने के बाद मतगणना कराई जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं चुनाव से ही जोड़ के देखा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में मतगणना जरूरी हो गई है आगामी चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, बीते कल जो इनका अलायंस हुआ है महान दल के साथ, छोटे दलों के जो जोड़ने की बात कर रही थी समाजवादी पार्टी, तो कहीं ना कहीं उस दौरान उन्होंने जातीय मतगणना की एक बार फिर से बात करी है कि हम जो है जब अगर सरकार में आएंगे तो जातीय मतगणना की शुरुआत करेंगे, जातीय मतगणना कराएंगे। तो इसकी वहीं विपक्ष ने भी जो पक्ष में बैठी है इस टाइम बीजेपी, उसके जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा हम जो है इसका पूरा साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं जातीय गणित बैठाने की जो कोशिश है वो लगातार करी जा रही है और पिछड़ा वर्ग हो या फिर ब्राह्मण हो या दलित हो, किसी को भी पार्टी जो है इस टाइम रूठते हुए नहीं देखना चाहती, सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। बिल्कुल शहबाज, जरूरी हो गया एक बार फिर जाति सामने आने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर चुनाव आते ही जाति का बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन अब सभा करने जा रही है। सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत बाजार में लॉकडाउन का सख्त पालन देखने को मिला है। कोरोना जैसी महामारी जो कि पूरे देश प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, वहीं जनता द्वारा सरकार की गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर शासन प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं इस दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन से बहुत समस्याएं हो रही हैं, पहले की अपेक्षा में बहुत डाउन बिक्री हो गई है। और लॉकडाउन से जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है, समस्या थोड़ी है, थोड़ा सा सब्जी उब्जी गिरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह किराना नदी होता दिक्कत होता है और जो है समस्या थोड़ी बहुत है, लेकिन हम लोग जो है लॉकडाउन का पालन कर। फतेहपुर में चौकी इंचार्ज का तबादला होने पर उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। चौकी परिसर में सीपी तिवारी के विदाई समारोह पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी पुलिसकर्मी और व्यापारियों ने चौकी इंचार्ज को फूलमाला पहनाकर गिफ्ट देकर विदाई दी। बता दें कि बकेवर थाना क्षेत्र के देवमई चौकी में सीपी तिवारी चौकी इंचार्ज थे।
फतेहपुर के गंज थाना क्षेत्र में यमुना नदी का पानी उफान पर है। पानी के उफान पर होने की वजह से नालों में भी पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है और बिंदौर गांव में बच्चा खेलते हुए पानी में डूब गया। इसके बाद परिजन उसे आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टरों के मृत घोषित करने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में ऑटो मालिक ने ड्राइवर को जमकर पीटा। बता दें कि एक्सीडेंट होने के बाद ऑटो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया, इसी वजह से ऑटो मालिक ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान मारपीट को देखते हुए पुलिस वालों ने बीच बचाव किया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी के चौगनपुर गांव में मंदिर में मूर्ति तोड़कर यज्ञशाला जला देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने की बात की है। पुलिस ने एक्टिव होते हुए मैगलगंज से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी को गांव में देखने के बाद लोगों को शंका हुई, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार गौ माता के लिए गौशाला से लेकर अन्य व्यवस्थाएं दे रहे हैं, वहीं सूबे के पशु चिकित्सा अधिकारी प्राइवेट कामों में व्यस्त हैं। दरअसल रावर्ट्सगंज कोतवाली के पास सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय के सामने ट्रक ने गाय को टक्कर मार दी। उसके थोड़ी देर बाद उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र गुर्जर वहां से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के श्रीवास्तव को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। लेकिन घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि काफी समय हो गया था, उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। इससे साफ जाहिर हुआ है कि जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी शासन की योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। और अभी गौशाल केस में चला जाएगा तो हम लोग उसको अडॉप्शन करते रहेंगे। उसको देखते हैं। एसडीएम साहब को फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया तो मैं तुरंत यहाँ पे आया। सरकार मौके पर आकर उसको जो भी इंजेक्शन की जरूरत थी वो लगा दी है, तुरंत की ड्रेसिंग वगैरह कर दी है। अब आगे भी इसको देख जलौन में नदियों में उफान से तबाही मचा रही, तबाही से राहत बचाव के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री का वितरण किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में शासन के आदेशों पर हवाई निरीक्षण कर राहत सामग्री बांटी जा रही है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों और आपदाग्रस्त इलाकों में सेना के हेलीकॉप्टर इलाके का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के कुछ मीटर ऊपर बह रही है। हाल ही में मीडिया संस्थानों पर सरकारी एजेंसियों की छापेमारी के विरोध में ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन उतर आई है। बदायूं में रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वेदपाल सिंह ठाकुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा को एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतांत्रिक परंपराओं और जनतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा महत्वपूर्ण योगदान किए गए हैं। लोकतंत्र के रक्षक और समाज के सजग प्रहरी के रूप में पत्रकार और मीडिया संस्थान अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, फिर भी सालों से पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। आज जो मीडिया संस्था पर जो छापे मारकर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, पत्रकारों को जैसे फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, पत्रकारों को बिना सोचे समझे उन पर मुकदमा ठोक दिए जाते हैं, जब तक उनकी जांच ना हो तब तक उन पर मुकदमा, साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए कठोर कानून बने। इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय कप्तान साहब को ज्ञापन सौंपा है कि पत्रकारों को बिना जाँच के मुकदमे ना हों और जो फर्जी मतलब मुकदमे लगाए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन। प्रतापगढ़ में एक बार फिर से दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दबंगों ने एक महिला की जमकर पिटाई की। बता आदमी 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद पीड़िता न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंची और पुलिस के आला अफसरों को अपनी आप बीती बताई। जानकारी मिली कि पीड़िता की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है और कब्जा की हुई जमीन पर अवैध निर्माण भी कराया जा रहा है। वहीं महिला की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हमारे साथ घटना हुई थी, आए हमें मारे, हमारी माताओं को मार रहे थे, हम लोग छुड़ाने गए तो हम लोग को मारे, मार कर हमारे बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, हुआ बाथरूम में घुस गई, उसके बाद हमको पाए तो हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश, इन्होंने कहा याद आते हुआ पैर हमारा पकड़ा। रायबरेली के कोलवा गांव की लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लड़की के आत्महत्या करने की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस वालों को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि लड़की ने अपनी जान क्यों दी है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया, जांच के आदेश दे दिए गए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूजा निर्मल जो ग्राम कोलवा थाना कोतवाली नगर की रहने वाली है, 112 से सूचना मिली थी कि फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है, जिस सूचना को तत्काल में स्वयं एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मौके पर पहुंच करके शव को अपने कब्जे में लिया गया और आगे। भारत को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्णिम सफलता मिली है, 13 साल बाद भारत की झोली में स्वर्ण पदक आया है। 2008 में अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में स्वर्ण पदक मिला था, वहीं अब जैवलिन थ्रो में भारत की नीरज चोपड़ा ने एक बार एक तरफा जीत दर्ज कर स्वर्ण भारत की झोली में डाल दिया। वहीं बड़ी बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक में अब तक के सभी ओलंपिक से ज्यादा मेडल भारत को मिले हैं, वहीं एक स्वर्ण समेत 7 पदक भारत के खाते में दर्ज हो गए हैं। नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम जीत के बाद भारत का हर शख्स खुशियों से झूम उठा। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जैसे अपने होनहार खिलाड़ियों से भारत को उम्मीद थी, इन सभी ने कुछ वैसा ही कर दिखाया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पदकों की संख्या 7 पहुंचा दी है। लंदन ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा 6 पदक जीते थे, जिसका रिकॉर्ड अब टूट चुका है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल की उम्मीद के लिए भारतवासियों को जीत का जश्न मनाने का मौका मिल गया है। पहले प्रयास में 87.03 मीटर भाला फेंका और दूसरे प्रयास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इसे 87.58 मीटर तक पहुंचा दिया। यही स्कोर इस इवेंट में आखिरी साबित हुआ और भारत की झोली में नीरज ने पहला एथलेटिक्स गोल्ड डाल दिया है, जिसके बाद उनके परिवार समेत देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। ओलंपिक में भारत दल का अब तक का यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हो गया है। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की संख्या 7 पहुंचाते हुए इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा का गोल्ड भारत के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल रहा। पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत भारत को लंदन ओलंपिक में हासिल किए गए 6 पदकों की बराबरी दिलाई थी। बता दें भारत को लंदन में हुए 2012 ओलंपिक में 6 मेडल मिले थे, जो 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक से 3 ज्यादा थे। इसके अलावा भारत को 2016 के रियो ओलंपिक में 2 मेडल ही मिले थे, तो वहीं 1992 और 1900 में भी 2-2 मेडल ही भारत के खाते में आए थे। पुरुष हॉकी टीम ने भारत की झोली में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल डाले हैं। साल 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। वो व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे। 2021 में नीरज चोपड़ा ने भारत को भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया है।
डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।